महाराष्ट्र की 10 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत मतदान आज 7 बजे से जारी है। यहां बुलढाणा, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, बीड, लातूर और सोलापुर में मतदान हो रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला सत्तागढ़ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और विपक्षी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच है। इसके अलावा दलित मुस्लिम मोर्चा, वंचित बहुजन अखाड़े की चुनाव मैदान में है। यहां जल्द मतदान करने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, अपनी पत्नी उज्ज्वला, अपनी बेटी परिणीति शिंदे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शामिल रहे। कॉन्स्टिट्यूएंसी सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत चुनाव लड़े हैं, असेंबली के चुनाव लड़े हैं, पार्लियामेंट के चुनाव लड़े हैं और कई बार मैं जनरल सीट पे यहाँ पे चुन के आया हूँ और इन लोगों ने मुझे मेरी जात धर्म न देखते हुए इन्होंने हमेशा भारतवर्ष के इस कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास रख के उन्होंने मुझे वोटिंग किया और विजय प्राप्त करा दिया है। एक अपवाद देखा जाए तो एक ही अपवाद मेरे लाइफ में था, वो 2014 का था, लेकिन वो लोग सब बोल रहे हैं, वोटर सब बोल रहे हैं, हमारे से गलती हो गई, हम करेक्ट करेंगे।